बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कौकब कादरी पहुंचे अररिया, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लिए गए फैसले को देश हित के लिए नुकसान बताया। साथ ही उन्होंने 7.5 साल के कार्यकाल में लिए गए और फैसले को वापस ले एवं देश की जनता से माफी मांगे। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि काले कृषि कानून के पीछे राजनीति में उनकी गिरती साख एवं अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की लाज रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। 1 साल से ज्यादा वक्त तक चला यह आंदोलन, जिनमें 750 किसान भाई शहीद हुए, उनके आश्रितों को सरकारी लाभ मिले और जिस तरह से संसद में सर्वसम्मति से इस कानून को पास किया गया था वैसे ही इसे वापस लिया जाए। किसानों की दुगुनी आमदनी, पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते कीमतों, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी बात करें। हम हर्ष मना रहे हैं जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने 3 काले कृषि कानून को रिपील करने का, वापस करने का जो घोषणा किया है, हम उस घोषणा को मानते हैं कि जिस तरह से हमारे देश के जो किसान का संघर्ष रहा और सत्य और निष्ठा के साथ लोकतांत्रिक ढंग से उन्होंने जो प्रदर्शन किया, आज उनकी जीत है और माननीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की हार है। आज इसी संदर्भ में हम जो है कि कैंडल मार्च निकाल कर करके हम उन तमाम किसान जो शहीद हुए हैं अपने संघर्ष और आंदोलन के समय, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हर्ष व्यक्त करते हैं कि ये 3 कृषि काले कानून की जो घोषणा उन्होंने की है खत्म करने की, उसका हम स्वागत करते हैं। कि प्रधानमंत्री ने जो माफी मांगी है, तो 7.5 वर्षों में जो क्रियाकलाप उन्होंने किया है देश में, जिस तरह से देश का बंटाधार हुआ है, जिस तरह की नीति लागू की है, वो भी एक बड़ा चिंता का विषय रहा है। जिस तरह से 15-15 लाख रुपए उन्होंने चुनाव से पहले कहे थे कि तमाम लोगों के खाते में जाएंगे, उसके लिए प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। उसके अलावा जिस तरह से उन्होंने देश में नोटबंदी लागू किया कि देश में नोटबंदी से काला धन जो है इस देश का, उसको हम इकट्ठा करेंगे, आज तक नहीं कर सके। उनके अपने नीरव मोदी और कई ऐसे उद्योगपति हमारे देश का पैसा लेकर के विदेशों में शरण ले चुके थे, इसलिए उनको माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से GST उन्होंने लागू किया, वो भी एक चिंता का विषय रहा व्यापारियों के लिए, उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। और इसके अलावा बढ़ती जो महंगाई थी, आप विश्व में देखिए कि पेट्रोल डीजल के दामों में जिस तरह से भारत में बढ़ोतरी हुई है, हमारे किसी भी पड़ोसी मुल्क में वैसा पेट्रोल और डीजल का, रसोई गैस का कीमत नहीं बढ़ा है। और बढ़ती हुई महंगाई जो पेट्रोल डीजल की रही है, उसके लिए भी देश के सामने उनको माफी मांगनी चाहिए। खाद्यान्न का जो तेल है, रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं, अनाज को आप देखें, तो उसके लिए भी देश से उनको माफी मांगनी चाहिए। और अभी हाल में जो कोरोना का हमने मुकाबला किया, जिस तरह से देश में अपने संसाधन से ऑक्सीजन की कमी के कारण, उनकी विफलताओं के कारण स्वास्थ्य का जर्जर व्यवस्था देश का उजागर हुआ, जिसके कारण कई लोगों की जाने चली गई, इसलिए भी देश से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कई ऐसे लोग थे जो अपने रीति रिवाज से अंतिम संस्कार अपने लाशों का नहीं कर सके, उसके लिए भी देश से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और इसके अलावा मैं समझता हूं कि जो गिरती हुई अर्थव्यवस्था है वो तो एक मुद्दा है ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिनों में, साथियों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि देश की सुरक्षा से एक बार फिर खिलवाड़ हो रहा है। और आपने देखा कि जिस तरह से चीन हमारे देश में, हमारे बॉर्डर टेरिटरीज पे घुसपैठ बढ़ा रहा है और जिस तरह से पूरी कॉलोनी बस रही है, वो भी एक चिंता का विषय है। क्यों